तो बच्चों, अब हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ये काम करता है, चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, पहले जो है सेल है यानी कोशिका, और कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू यानी ऊतक, और ऊतक का समूह मिलकर क्या बनाएगा? अंग, और अंगों का समूह मिलकर क्या बनाएगा? अंग तंत्र। तो पहला जैसे हम देख रहे हैं एपिथेलियल सेल है, कोशिका कौन सी है? एपिथेलियल है। अब ये एपिथेलियल सेल जो हैं ग्रुप में यानी समूह में रहेंगी, तो वो क्या बनाएंगी? एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगी, और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या बनाएगा? ऑर्गन यानी कि अंग कौन सा बना? स्किन यानी त्वचा। आप जानते हो सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, और ये त्वचा जो है वो सिस्टम कौन सा बनाएगा? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी अध्यावरणी तंत्र जिसको हम कहते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, न्यूरॉन की बात करते हैं यानी तंत्रिका कोशिका, ये भी आप इसके बारे में जानते हैं। तो तंत्रिका कोशिका जो है वो क्या बनाएगा? मतलब उनका समूह मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाएगा। तंत्रिका ऊतक जो है वो एक अंग यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क बनाएगा, और ये मस्तिष्क जो है वो एक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बनाता है। तंत्रिका तंत्र में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ब्रेन एक ऑर्गन है, यानी इसके अलावा भी और इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से होंगे वो आगे हम बात करेंगे। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, लाल रक्त कोशिका की बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं। तो ये आरबीसी एक सेल है यानी कोशिका है, तो ये जो है वो क्या बना रही है? टिश्यू ब्लड बना रही है, और ब्लड जो है वो एक अंग मतलब हार्ट में जो पंपिंग का काम करता है, हार्ट बना रहा है, और फिर हार्ट जो है वो किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी, और ये टिश्यू जो है वो एक अंग यानी स्टमक यानी अमाशय बनाएगा, और ये अमाशय जो है वो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको देखें कि किस तरीके से कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, और अंग जो है अंग तंत्र बनाते हैं। अब कौन कौन से अंग तंत्र हमारे शरीर में हैं इसको हम देखेंगे। तो पहला जो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है यानी अध्यावरणी तंत्र जिसको बोलते हैं। ये जो है त्वचा और इससे संबंधित संरचनाओं से मिलकर बना होता है, और इसमें जो अंग है वो क्या आएगा? त्वचा आएगा, और त्वचा जो उसका काम है वो बैरियर का काम है यानी आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम है। और मुख्य और भी यदि हम इसको देखें तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन त्वचा जो है वो एक बैरियर का काम करती है, हमको सुरक्षा देने का काम करती है। और वैसे भी जो बाहर का वातावरण और जो आंतरिक वातावरण है उसमें काफ़ी अंतर रहता है, तो उस मामले में भी ये जो है सुरक्षा का प्रदान करती है। अब दूसरा सिस्टम की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हम जानते हैं कि इस तंत्र का काम क्या है? अवशोषण का है, और भोजन के पाचन और अवशोषण का है। तो जो हम भोजन लेते हैं और उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से अंग इस में यानी इस कार्य को करते हैं, तो उसमें जो है शामिल है सबसे पहले मुख है, फिर जीवा है, फेरिंग्स है आप जैसे देख रहे हो, इजोफेगस है, फिर स्टमक, और फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आप जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इस तरीके से इसके अलावा ये तो हमने देखा एलिमेंट्री किनाल है, इससे संबंधित और भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करने का काम करती हैं, और वो भी भोजन के पाचन में मदद करती हैं। तो ये एक तंत्र हो गया पाचन तंत्र। तीसरा यदि हम बात करें तो श्वसन तंत्र है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम जो है वो गैसों का आदान प्रदान करने का काम है और विनिमय का काम है, ग्रहण का काम है। तो इस सिस्टम में कौन कौन से अंग शामिल होंगे? तो सबसे पहले बात जो शुरुआत होती है वो नॉस्ट्रल से होती है, नाक से होती है। हम सभी जानते हैं कि हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसमें कि हमारे नाक का काफ़ी रोल रहता है। यानी जो सांस हम इनहेल कर रहे हैं वो नॉस्ट्रल यानी नासा छिद्र के जरिए ही एंटर होती है। फिर नेजल पाथ आता है, फिर लैरिंग्स है, ट्रैकिया है और लंग्स हैं, और लंग्स में एल्वियोलाई वगैरह भी उसमें वो रहते हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ मिलकर एक सिस्टम बन रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है गैसों के विनिमय का यानी आदान प्रदान का। फिर एक और सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र जैसे है वो उसका क्या काम है? उस संवहन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या? गैसों का। अब जैसे हमने इनहेल तो कर लिया, जो हवा हमने अंदर ली, श्वास जो हमने अंदर लिया, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो हवा में ऑक्सीजन था, अंदर गई, अब ये ऑक्सीजन जो लंग्स में थी वो हर एक हिस्से तक, हर एक अंग तक कैसे पहुँचेगी? तो इसके लिए भी जो तंत्र है वो परिवहन का यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ये गैसों के आदान प्रदान का काम करता है यानी पहुंचाता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, कौन कौन से इसमें अंग शामिल होंगे? तो आर्टरी है, ये वेसल्स हैं, वेन है, हार्ट है, कैपिलरीज हैं, ब्लड है, लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स जो हैं ये सब मिलकर ये परिवहन का काम करते हैं। फिर एक और सिस्टम की बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। और जब ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हम जैसे भोजन का पाचन हो रहा है या और बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ अंदर में हो रही हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान जो है हानिकारक पदार्थ बनते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनका इन शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी हमारे शरीर में क्या है तंत्र? उत्सर्जन तंत्र है। और ये उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं? आप जैसे देख रहे हो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो ये सब अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बना रहे हैं। और फिर एक और तंत्र, कंकाल तंत्र की बात करते हैं, यानी स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। तो ये जो है स्केलेटन जो है वो क्या काम करता है? आधार प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। और दूसरी बात, जो हमारे अंदर में ऐसे कोमल अंग हैं, लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा का भी काम करता है। तो ये कंकाल तंत्र जो है इसमें कौन कौन से अंग आएंगे? तो जैसे हड्डियां हैं, बोन्स यानी कार्टिलेज, बोन्स हैं, कार्टिलेज से हैं, दांत है आप जानते हो, और सिंग, आप गाय भैंस में देखा होगा सिंग होते हैं, वो सिंग भी क्या है? स्केलेटल सिस्टम का ही एक भाग होता है। और बाल हमारे जो हैं, नाखून आप जो देखते हो, ये सब भी इसी स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र में आते हैं। और एक ढांचा बनता है, और ये ढांचा जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और आधार भी प्रदान करता है। अब एक और तंत्र है, पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। इसमें सारी पेशियां आती हैं, और ये पेशियां जो हैं मूवमेंट का काम करती हैं, गति देने का काम इनका है। जैसे अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, हाथ में हिला रही हूँ, तो जो चल रहे हैं, तो ये पेशियां जो हैं वो मूवमेंट का काम करती हैं। ये हमारे अंदर में भी ऐसे कई सारे मूवमेंट होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। जैसे हार्ट पंपिंग कर रहा है तो कार्डियक मसल्स वहाँ काम करती है, ऐसे और बहुत सारे मूवमेंट अंदर में चलते रहते हैं। तो ये सब जो है पेशियां ही मूवमेंट के लिए उत्तरदायी रहती हैं, यानी उसी के थ्रू ये मूवमेंट होता है। फिर एक और तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है, जैसे हम जान रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, समझने का काम, याद करने का काम। इसके अलावा हमारे पास सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से
सेंसेशन हम ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, तो ये सब जो भी है वो इस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें तंत्रिकाएं जो है मतलब मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है, और तंत्रिकाएं इसमें शामिल होती हैं। एक और तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी तंत्र जो है इस तरीके का होता है, इसमें ग्रंथियाँ होती हैं, और ये ग्रंथियाँ जो हैं इससे जो है कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में कई सारे कार्यों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे हमने नर्वस सिस्टम की भी बात की थी, नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जिसके जरिए हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये भी रासायनिक रूप से जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जो है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी जो भी हमारा वृद्धि हो रही है वो उसका कंट्रोल जो है थायरोक्सिन हार्मोन के जरिए होता है। और ये थायराइड जो ग्लैंड है वो किसके जरिए कंट्रोल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसके जरिए होती है। तो ये एक सिस्टम है। एक और सिस्टम है प्रजनन तंत्र है, जिसमें प्रजनन इकाइयाँ बनती हैं, यानी कि प्रजनन इकाइयाँ कौन सी होंगी, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, और ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी में बनेगा। तो इस तरीके से जो हमने जो बात की थी कि हम पहले कोशिका को पढ़ते हैं, कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती है, समूह बनाती है, समूह बनाकर क्या बना रही है, ऊतक बना रही है, और ऊतक जो है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो क्या बनाता है, कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक बनाया, और वो ऊतक का एक विशेष काम हो गया। जैसे अभी हमने कई सारे तंत्रों की बात की, ये सब क्या है, इस ये किससे बने हुए, बहुत सारे अंगों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये अंग किससे बने हुए हैं, ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं, यानी एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और ये बहुत सारे तंत्र मिलकर एक शरीर को चलाते हैं, कह सकते हैं एक शरीर का जो निर्माण है वो इन सब से होता है, और ये सारे तंत्र एक दूसरे से समन्वय बनाकर, ये बहुत ज़रूरी बात है इस चीज़ को समझना कि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर ही काम करते हैं, यानी हर एक चीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन का काम केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, ये तभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाता है जब इसका दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्शन होता है, ऐसे केमिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और जितने भी हम सिस्टम की बात किए तो ये सब एकीकृत होकर रूप में वो काम करते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। अब हम बात करेंगे कि टिश्यू की, यानी टिश्यू क्या है, ऊतक के प्रकार क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसको हम लोग अगले हिस्से में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, जैसे कि हमने ऊतक के पहले हिस्से में ऊतकों के बारे में जाना, वो ऊतक क्या है और उसके इतिहास क्या है उसके बारे में जाना, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की थी, जिसमें जो शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो है कोशिका से होती है, और कोशिका फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनते हैं, फिर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर एक शरीर बनता है, एक बॉडी बनती है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का। तो आज के इस हिस्से में बच्चों हम लोग जो है ऊतक के प्रकारों की बात करेंगे। जैसे हमने पिछले हिस्से में ही जाना था कि ऊतक जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी कोशिकाओं का एक समूह है, और ये समूह जो है एक विशेष कार्य करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। तो यदि हम इस आधार पर यदि ऊतक क्या है इसकी बात करें, तो ऊतक क्या हो सकता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात जो है इनकी संरचना जो है, आप जैसे कुछ ऊतकों में ही आप देख पा रहे हैं कि इनकी संरचना क्या है, एक समान है।
और तीसरी बात जो है इनकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है वो एक ही मतलब एक समान होती है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है संरचना में, कार्य में और उत्पत्ति में यदि समान हैं और समान रूप से जो भी कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, विशेष विशेषीकृत उनके पास जो कार्य है वही कर रहे हैं, तो हम इनको ऊतक कहते हैं। अब ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं, मेजरली यदि हम देखें तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दी गई है। इस फ्लो चार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि पहला जो है उपकला ऊतक है, जिसको एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा जो है वो मस्कुलर है यानी पेशी ऊतक है। तीसरा जो है वो कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक है। और चौथा जो है वो नर्वस टिश्यू है यानी तंत्रिका तंत्र है। तो इस तरीके का जो है तंत्रिका ऊतक है। इस तरह हम ये चार ऊतकों की बात की। अब हम इनके ओरिजिन एंड जो फंक्शन है मेन, यदि कुछ आपसे सवाल किया जाए कि इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है और पर्टिकुलर किस ऊतक का क्या काम है, तो एट अ ग्लांस में यदि हम देखें तो ये क्या क्या हो सकता है। तो जैसे आप एक बात इस चीज़ से मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि आप ये जानते होंगे कि जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, तो एनिमल जो है वो थ्री लेयर्स के होते हैं, जो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल होते हैं, यानी तीन तरह के उनमें लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो उसी आधार पर आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एपिथेलियल जो ऊतक है यानी उपकला जो ऊतक है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें तीनों ही तरह की स्तर से ये विकसित होते हैं, चाहे वो एक्टोडर्मल हो, चाहे मेसोडर्मल हो, चाहे वो एंडोडर्मल हो। और यदि हम इसका मेजर फंक्शन की बात करें तो क्या क्या है इसका फंक्शन। एक सबसे बड़ा काम जो है इसका प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का काम है। दूसरा काम है इसका एब्जॉर्प्शन का, यानी कि अवशोषण का। और तीसरा जो है सिक्रीशन का, यानी कुछ इसके जरिए कुछ पदार्थों का स्राव होता है और उस स्राव से कुछ कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ये मेजर फंक्शन है। और यदि हम दूसरे टिश्यू की बात करें तो वो दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसकी उत्पत्ति मेजो डर्मल लेयर से हो रही है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भी क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सपोर्ट का काम भी करता है यानी सहारा देने का काम करता है। तीसरा जैसे है सर्कुलेशन यानी परिवहन में भी इसका मुख्य रोल होता है। फिर एक और ऊतक की हम बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। इसकी भी ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मिस यानी मेसोडर्मल लेयर से होती है। और इसका कार्य की बात करें तो मूवमेंट का काम, अभी जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं मूव कर रही हूँ, गति कर रही हूँ, मेरा शरीर जो है गति कर रहा है, मेरा हाथ गति कर रहा है, ये गति किसके जरिए हो रही है, तो ये पेशी ऊतकों के जरिए ही होती है, तो ये मस्कुलर टिश्यू है। चौथा यदि हम बात करें तो नर्वस टिश्यू है यानी तंत्रिका ऊतक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, एंडोडर्मल लेयर से होती है। और इसका मुख्य काम क्या है, संवेदनाओं को तंत्रिकाओं के जरिए जो है वो संवेदी अंगों से इसके जो मुख्य अंग है यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। हमने अभी बात की कि इनके ओरिजिन एंड फंक्शन की। अब हम पहला प्रकार जो है उपकला ऊतक क्या है, कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन होगी, इसकी स्थिति होगी और इसका मेजर फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसको पहले हम देखें ये जो ऊतक है वो जंतुओं में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहली बात तो करें ये बाहरी सतह में, बाहर के साथ आंतरिक सतह में और कुछ स्वतंत्र सतहों में भी ये पाया जाता है। आप जैसे ये चित्र में इसके ऊतक को यानी उपकला ऊतक को देख रहे हो, तो इसमें आप जैसे देख रहे हो कि कोशिकाएं कैसी हैं, एकदम पास पास हैं यानी एक दूसरे से क्या हुए हैं, सटी हुई हैं। तो एकदम करीब होने के कारण इनके बीच जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है यानी अंतर अवकाश जो है, अंतर कोशिकीय अवकाश जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। और इनका पोषण जो है वो
लिम्फ के द्वारा डिफ्यूशन मेथड के द्वारा होता है। यानी डिफ्यूशन मेथड आप जानते हो, विस्तरण की विधि क्या होती है कि जिसमें अणु जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो इस तरीके से इसमें जो है इनका पोषण होता है। आप जैसे ये देख रहे हो कि कोशिकाएं क्या हैं, एकदम पास पास जो हैं वो सटी हुई हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, यानी मेजर हम बात करें कि वो क्या है, किस तरीके से इसकी कोशिकाएं होती हैं, इसकी बात की। अब हम इसके फिर से एक बार मुख्य फंक्शन की ओर आते हैं, तो इसके कार्य क्या हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इसकी प्रोटेक्शन की है, तो ये सुरक्षा का काम करता है। अब आप मेजरली देखेंगे तो ये ऊतक जो है कहाँ पाया जाएगा। सुरक्षा का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमको हमारे शरीर को किससे सुरक्षा चाहिए, बाहरी आघातों से चाहिए, चोट लगती है उससे सुरक्षा चाहिए, कुछ जम्स वगैरह एटमॉस्फेयर में रहते हैं उससे सुरक्षा चाहिए। तो आप ये सोच के देखिए कि ये ऊतक जो है, उपकला ऊतक जो है, जो सुरक्षा का काम कर रहा है, वो कहाँ पाया जाएगा। तो आप ये विचार करिएगा, तो इसका काम पहला क्या है, प्रोटेक्शन का है। दूसरा काम क्या है, सिक्रीशन का है। कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जो एंजाइम्स जो हैं क्या करते हैं, डाइजेशन यानी पाचन में वो सहायक होते हैं। फिर और देखें, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है, रीजनरेशन का भी काम करता है। जब कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो कोशिकाएं हैं क्या होता है, वहाँ जल्दी विभाजन जरूरी हो जाता है। तो आप देखें कि कभी चोट लगती है तो कुछ समय बाद वो घाव जो है धीरे धीरे भरने लग जाता है और पूरी तरीके से फिर जो है वहाँ की त्वचा जो है वो वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। यानी वहाँ का जो ऊतक होगा वो किस तरीके का होगा, वो एपिथेलियल टिश्यू होगा जो रीजनरेशन कर रहा है, यानी घावों को भरने का काम कर रहा है। फिर एक और काम है इसमें, इसका काम जो है गैमेट्स का निर्माण करना, जो प्रजनन की जो इकाइयां हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर एक जर्मिनल एपिथेलियल के थ्रू होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो मुख्य यदि ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि उपकला ऊतक के क्या कार्य, तो आप ये चार पाँच जो इसके फंक्शन हैं, जो मेजर फंक्शन है, आप इसमें बात कर सकते हैं, इसके बारे में आप इसको बता सकते हैं। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो अभी एपिथेलियल टिश्यू के भी प्रकार हैं। बच्चों असल में क्या है, ये टिश्यू जो है, ऊतक जो है, थोड़ा ये बोरिंग सा चैप्टर लग जाता है, लेकिन यदि हम इसके जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, इस पर यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो हम इसके प्रकारों और उसके साथ साथ उनके फंक्शन, उनका लोकेशन की बात जो है हम आसानी से कर सकेंगे। हम आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका काम क्या है, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, और चौथा जो है नर्वस टिश्यू कहाँ पर है, उसका काम क्या है। तो यदि इनके नाम के आधार पर यदि हम गौर करेंगे तो हम इसको आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। हमने उसके उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो प्रकार जो हैं, आप जैसे ये फ्लो चार्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला आप जैसे देख रहे हो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल माने सरल। सेकेंड हमने बात कर रहे हैं कंपाउंड यानी संयुक्त। और तीसरा जैसे आप ये देख पा रहे हो कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है। तो पहला जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है एक सिंगल लेयर रहती है, यानी एक स्तर का ये मोटा होता है, ये आप जैसे देख रहे हो। और जो कंपाउंड होता है वो आप देख रहे हो ऐसे रहता है, यानी कि इसकी लेयर्स आप देख रहे हो एक से ज़्यादा हैं। तो सिंगल लेयर को हमने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जहाँ एक से ज़्यादा लेयर्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा जो है वो स्पेशलाइज्ड है, यानी वो एक विशेष रचना बना लेता है
जैसे हम आगे बात करेंगे, ग्रंथियां अगर हमारे शरीर में होती हैं तो वो ग्रंथियां क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही होती हैं, और वो भी किस कौन से प्रकार की हैं, एपिथेलियल टिश्यू है। तो इस तरीके से ये तीन इसके मेजर प्रकार हैं यानी एपिथेलियल टिश्यू के। तो अब नाम से आप समझ गए कि सिंपल है माने सिंगल लेयर, एक ही सतह होगी, संयुक्त माने एक से ज़्यादा सतह होगी, और स्पेशल माने एक अलग उसका स्पेशल आकार होगा, विशेषीकृत होगा। अब जो पहला प्रकार है यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, उसके भी प्रकार हैं। अब यहाँ भी जो है, यदि आप हम इस पर इसके शब्दों पर यदि ध्यान देंगे, तब हम इसके शब्दों के आधार पर भी हम इसकी संरचना को समझ पाएंगे। तो जैसे इसका पहला प्रकार है स्क्वैमस, आप जैसे देख रहे हो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये जो है ये बहुत पास पास रहती हैं, आप ये जैसे देख रहे हो इसका एक स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है क्यूब के आकार का, तीसरा कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू है यानी कॉलम यानी स्तंभ के आकार की इसकी कोशिकाएं होंगी, चौथा है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी जिसमें सीलिया मौजूद होंगे, और इसका एक और प्रकार है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा जो है वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, और इसके दो प्रकार हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीकृत यानी स्तर यानी लेयर्स होंगी, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी, और दूसरा है ट्रांजिशनल। और तीसरा जो इसका प्रकार है स्पेशलाइज्ड है यानी विशेषीकृत ये उत्तक है। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे एक आप देख रहे हो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू है, और फिर जर्मिनल और एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरीके से ये स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू है। अब हम इन सब के बारे में, आप जैसे देख रहे हो इन सब के बारे में एक एक करके जो है इनकी डिटेल यानी इनका विवरण हम जानेंगे कि बेसिकली जो है वो सिंपल का क्या काम है, स्क्वैमस उनके प्रकारों का भी क्या काम है, और जो हमने कंपाउंड की बात की, स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू की बात की, उनका क्या काम है, इसको हम देखेंगे।